नमस्कार साथियों साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक अगर आपने नहीं करवाया है तो वो समय पर इसका लिंक करवा लें, वरना आपको बड़ी पेनल्टी भुगतनी पड़ जाएगी। देखिए, आधार कार्ड और पैन कार्ड का लिंक क्यों करवाया जाता है और इनको क्यों करवाना चाहिए, इसकी जानकारी मैं आप लोगों को पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपको बता रहा हूँ। इसको वीडियो को कंप्लीट सुनना ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आखिर आधार कार्ड को पैन कार्ड को हमें लिंक क्यों करना है और इसको लिंक करवाना जरूरी क्यों है। अगर नहीं करवाएंगे तो इसका नुकसान क्या होगा, करवाएंगे तो इसका फायदा क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब हम बैंक में अकाउंट खोलने के लिए जाते हैं तो हमारे पास दो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट सबसे महत्वपूर्ण है, आधार कार्ड और पैन कार्ड। अगर नहीं है तो हमारा बैंक अकाउंट नहीं खुलता है, और बैंक अकाउंट अगर नहीं खुलता है तो आप समझ सकते हैं कि पैन और आधार कार्ड की वैल्यू क्या है और ये कितना महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है और महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं होगा तो आपका ट्रांजेक्शन रुक जाएगा। अगर आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड को आपने समय पर लिंक नहीं किया तो अभी आपकी 1,000 रुपये की पेनल्टी है, आपको 1,000 रुपये का चालान कटवा के आधार और पैन कार्ड को लिंक करवाना है। अगर इसकी अंतिम तिथि अभी बढ़ाकर 31 मार्च थी, इसको बढ़ाकर 30 जून कर दी है, 30 जून तक अगर आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड को अगर आप लिंक नहीं करवाते हैं तो फिर आपको पेनल्टी बहुत बड़े अमाउंट में भुगतनी पड़ेगी। अगर आपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं करवाया तो आपके बैंक के ट्रांजैक्शन जो है वो रुक जाएंगे, ना तो आप अपने खाते में पैसा जमा करा पाएंगे, ना ही आप अपने खाते में जमा पैसा है वो निकाल नहीं पाएंगे। काफी नहीं 70% ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अभी तक यही पता नहीं है कि आधार कार्ड और पैन कार्ड इतना जरूरी क्यों है। आपके बैंक अकाउंट में जितने भी टर्नओवर हो रहे हैं, जितने भी लेन देन हो रहे हैं, वो पैन कार्ड के जरिए सरकार को इसका पता रहता है कि आपके खाते में कितना लेन देन हो रहा है। काफी लोग ऐसे हैं जिनको तो यही पता नहीं होता कि वो बड़े बड़े अमाउंट किसी से अपने अकाउंट में क्रेडिट करवा लेते हैं, ले लेते हैं, दे देते हैं, बल्कि ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपने अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड बैंक अकाउंट में अपडेट करा दिया तो आपको किसी का गलत तरीके से पैसा आपको आपके अकाउंट में नहीं लेना है और ना ही आपको अपने अकाउंट से किसी को देना है। अगर आप देते हैं, अगर आप पैसा लेते हैं तो आपकी जवाबदेही है, आपको जवाब देना पड़ेगा कि ये पैसा आपका कहां से आया और आपने क्यों दिया। पैन कार्ड और आधार कार्ड इतने अनिवार्य दस्तावेज हैं कि अगर आप इनको अपडेट नहीं कराते हो, लिंक नहीं कराते हो, तो फिर आपको आगे जाके इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे। आपको ना आपका बैंक अकाउंट खुलेगा, ना आपके बैंक अकाउंट से कोई लेन देन कर पाएंगे, ना ही आप अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आप बिजनेस की कोई रिटर्न लगा पाएंगे। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो छोटा मोटा व्यापार भी करते हैं, अपनी आईटीआर रिटर्न भी लगाते हैं, लेकिन रिटर्न जो लगाते हैं अगर उनका आधार कार्ड लिंक नहीं है तो उनकी ये रिटर्न जो है वो अंतिम रिटर्न है, उसके बाद वो कभी रिटर्न भी नहीं लगा पाएंगे, आईटीआर की रिटर्न नहीं लगा पाएंगे। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके अकाउंट में सैलरी आने में दिक्कत होगी, जो पेंशन धारक हैं उनके अकाउंट में पेंशन आने में दिक्कत होगी, जो रिटायरमेंट कर्मचारी हैं उनके अकाउंट में जो पेंशन की सैलरी जो आती है वो सैलरी अकाउंट में नहीं आएगी। अगर कोई गांव का व्यक्ति है, अगर मजदूरी करता है, नरेगा पे जाता है, अगर नरेगा से उसको किसी प्रकार का अमाउंट मिलता है वो उसके अकाउंट में नहीं आएगा। अगर कोई भी विद्यार्थी है, उसने आधार पैन लिंक नहीं करवाया है तो उसके अगर स्कॉलरशिप मिल रही है वो स्कॉलरशिप उसके अकाउंट में नहीं आएगी। आपने अपने बैंक अकाउंट में अगर आधार कार्ड को अपडेट नहीं कराया, पैन कार्ड को अपडेट नहीं कराया, तो आपको गवर्नमेंट की स्कीम से मिलने वाली जो भी राशि है, चाहे आपको 1 रुपया मिले चाहे आपको 1,00,000 रुपया मिले, अगर आपके अकाउंट में क्लेम आ रहा है बैंक अभी जो फसल बीमा का क्लेम आ रहा है, अगर आपने आधार कार्ड और पैन कार्ड अगर लिंक करवा के अपडेट नहीं करवाया तो आपके खाते में वो जो इसकी क्लेम की राशि है वो राशि नहीं आएगी। यानी आपके सामने में इतनी माथापच्ची और मुसीबत आ जाएंगी कि आपको यही समझ में नहीं आएगा कि अब हम क्या करें। अब क्या होता है कि अभी तो समय रहते सरकार आपसे बार बार आपको अवगत करा रही है कि भाई आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करवा लो ताकि आपको अकाउंट लेन देन में किसी प्रकार की समस्या ना हो। आज अपन करा नहीं रहे, कल अगर ये सारे ट्रांजैक्शन बंद कर देंगे फिर हम सरकार को कोसते रहेंगे कि ये हमें मुसीबत में डाल दिया, अब ये करवा दिया, वो कर दिया। ऐसे चक्कर में नहीं पड़ के आप समय पर अपने आधार कार्ड को और पैन कार्ड को लिंक करवा लो ताकि आपको किसी भी प्रकार की जोखिम का सामना ना करना पड़े और किसी भी प्रकार की आपको परेशानी ना हो। आप आराम से अपने खाते से पैसा भी निकाल सकते हैं, पैसा डिपॉजिट भी कर सकते हैं।
और ये कराना अनिवार्य है, ये 101% अनिवार्य है कि आपको अपने बैंक अकाउंट में आधार कार्ड भी अपडेट कराना होगा, उसमें मोबाइल नंबर भी अपडेट कराना होगा, आपको पैन कार्ड है वो भी आपके अकाउंट में जो है वो अपडेट कराना होगा, आधार को और पैन को लिंक कराना भी अनिवार्य है, वो भी आपको कराना पड़ेगा। तो समय रहते आप करवा लीजिए। अभी भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी बता दी कि अगर लिंक नहीं करवाएंगे तो इसकी पूरी जानकारी मैंने वीडियो में आपको बता दी है कि नहीं करवाएंगे तो इसका नुकसान क्या है। फायदा इतना ही है कि हम कोई भी लेन देन करेंगे, किसी से भी पैसा लेंगे या किसी को पैसा देंगे तो हमें आसानी हो जाएगी, आराम से हम पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, पैसा ले सकते हैं अपने अकाउंट में। अगर नहीं करवाएंगे तो हमें हर चीज की परेशानी है, क्योंकि हमें गवर्नमेंट से दुनिया भर की स्कीम मिलती है। सबसे पहले तो हमारी सारी स्कीम के पैसे आने बंद हो जाएंगे अगर हमने आधार कार्ड को पैन कार्ड को लिंक नहीं करवाया तो। इसलिए जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, जिन तक मेरी ये जानकारी पहुंच रही है, उनसे मेरी बहुत ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस बात को समझिए और समझ के आप नजदीकी ई मित्र पे जाइए या जो भी इसका जो आपके जो अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनसे विजिट कीजिए, जो भी आपके सलाहकार है उनसे विजिट कीजिए और विजिट करके इनको कंप्लीट करवाइए। अगर आप नहीं करवाएंगे तो आपको मुसीबत का सामना ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि ये पूरे विश्व, पूरे भारत के लिए सभी लोग जो हैं इसको समझ सकते हैं, सुन सकते हैं और अपने आधार कार्ड पैन कार्ड को अपडेट करा सकते हैं और करवाएंगे, अनिवार्य है करवाना। ओके गाइस, थैंक यू।